स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में। तो दोस्तों, अगर आपका अपना कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम आपको सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले और सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों को ईमानदारी से कार्य करने में मदद करने वाले महत्वपूर्ण लीगल राइट्स के बारे में बताएंगे जो आप सभी के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला लीगल राइट्स क्या है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी से अपशब्दों का इस्तेमाल करता है या वाद विवाद करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 504 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिलेगी। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कार्य में रुकावट डालता है तो उसे अपराध माना जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 354 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार तीसरे महत्वपूर्ण अधिकार को जानेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से कार्य करता है तो उसे असामाजिक तत्वों द्वारा तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारी को अधिकार दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को धमकी देता है तो उसे अपराध माना जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत 3 से 7 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। तो चौथे राइट के बारे में जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी से मारपीट करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 332 के तहत 3 से 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिलेगी। तो दोस्तों, पांचवा अधिकार जान लेते हैं क्या कह रहा है कि इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी को ब्लैकमेल करता है या उससे अवैध वसूली करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर ऐसा करने वाले व्यक्ति को आईपीसी की धारा 383, 384, 386 के तहत 2 से 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिलेगी। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा छठवां क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में जबरदस्ती अर्थात सिटिंग एम्प्लाई की बिना अनुमति के प्रवेश करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और अपराध सिद्ध होने पर आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिलेगी। अंत में, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।